नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कैसे आप होम पेज को क्रिएट कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर यानी ग्रिड के सहायता से या फ्लेक्स बॉक्स की सहायता से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो एलिमेंटर के लिए बहुत अच्छा है, फास्ट भी है और जैसे आपका जानते हैं गुटेनबर्ग का जो ब्लॉक्स है उसी तरीके से ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है। तो अब आप इसी का इस्तेमाल करिएगा। देखना चाहें तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के बारे में नहीं पता है तो कर सकते हैं यहाँ से जानकारी। यहाँ पे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए ये यहाँ पे कुछ इस लिस्ट वाइज आ रही है। कुल मिला के हम अगर होम पेज पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये होम पेज है, बट अगर हम यहाँ पे एडमिट कार्ड पे चलते हैं तो हमारा कुछ ये। अगर ये आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज इसका भी चेंज कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो आप प्रत्येक कैटेगरी का आप एक पेज बनाओ, तो प्रत्येक कैटेगरी का अगर आप पेज बनाओगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा और आप नहीं चाहोगे कि एक ही चीज़ को दो व्यू में दिखाया जाए। तो इस तरीके से जैसे आपने एक बार कैटेगरी बना ली तो आप चाहोगे कि हमारी प्रत्येक कैटेगरी का लुक एक लिस्ट वाइज हो, कुछ इस तरीके का ना हो, जैसे हमारा होम पेज है वो कुछ इसी तरीके का ये बन के आए। तो कैसे करना है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर प्रो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको जाना है थीम बिल्डर में, टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर में जाना है और यहाँ पे सेट करना है। तो क्या सेट करना है, तो देखो इसे बोलते हैं आर्काइव, तो इस आर्काइव को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आर्काइव कैटेगरी जो होती है वो आर्काइव सेक्शन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप काम करना शुरू करेंगे। जस्ट आप ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपने आर्काइव पेज को पे काम करना शुरू कर सकते हैं। उसकी डिजाइनिंग आप स्क्रेच के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे बट हमें यहाँ स्क्रेच के माध्यम से काम करना है। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पे हमने एक फ्लेक्स बॉक्स लिया, फ्लेक्स बॉक्स में हमने क्या किया, ये एक आर्काइव ले लिया। आर्काइव लेने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास आर्काइव आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ से ऐड कंडीशन कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं और ये जैसे ही लाइव होगा तो आप देखोगे कि आपकी जो लिस्ट थी उसका लुक जो है चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका लुक एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो जो भी चेंजेस आप करेंगे वो आपके इस पे सारे आर्काइव में यानी सारी कैटेगरी में वो आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कस्टमाइज करते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरीके की लिस्ट बनाई जाए जैसा कि होम पेज पे था। तो इस तरीके का बनाने के लिए आपको करना क्या है कि वही सारी चीज़ें करनी है। मुझे सिंगल रो चाहिए, क्लासिक को क्लासिक में ही रहने दो, मुझे नन चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे डेट और मेटा हमें नहीं चाहिए और उसके बाद में यहाँ पे हमें बटन भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर आप पोस्ट यहाँ पे 10 दिख रहे हैं, तो ये 10 क्यों दिख रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे सेव कर लिए, मैंने सेव कर लिया तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे 10 आ रहा होगा। तो अब ये 10 क्यों आ रहा है, उसका उसकी वजह क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप जाके इंक्रीज कर सकते हो। आपको डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पे आपको रीडिंग में जाना है, सेटिंग के अंदर यहाँ पे देखिए नंबर आप पोस्ट जितने आप दिखाना चाहते हो उसको आप कर सकते हो। जैसे 20 आप कर दोगे तो यहाँ से आपका अब 20 दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो गया, आप 20 पे आ गए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब बट वो चीज़ें अब नहीं है अभी, अब हम पेजनेशन को क्या करते हैं, व्यू मोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख देते हैं व्यू मोर। अब क्या है, हम इसी को डिज़ाइन करेंगे। अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए व्यू मोर आ गया। तो करना क्या है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले कि हम अपने इस जो हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर्स में के अंदर हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं, बट मैं इसी आर्काइव में बॉर्डर दे देता हूं। कंटेनर्स में बॉर्डर देने से बड़ा हो जाएगा। मैं इसको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल का आप सॉलिड दे दीजिए यहां पे, जैसा मैंने यहां पे कलर बताया था
वैसे आप चुन सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब होने के बाद में आप रो गैप को यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, आपको कितना रो चाहिए। अभी रो मैं ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में कंटेंट का टाइटल जो है एकदम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको हम 16 पिक्सल कर देते हैं, और उसके बाद में इसको आप चाहे तो आप 500 पिक्सल कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे जो लाइन हाइट है वो पिक्सल में है, मैं ईएम कर देता हूँ, ईएम में 1.2 कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है। अब इतना काम करने के बाद में अब आप चाहोगे कि इसमें और कुछ चीज़ों में सुधार हो, क्योंकि अभी भी इसका लुक बेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम स्पेस बनाएंगे। तो मान लीजिए हम 10 पिक्सल का स्पेस बना देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनके बीच में अगर आप 10 पिक्सल का स्पेस बना देंगे तो कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा। तो अब हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर लगे। तो चलिए और इसको कस्टमाइज करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं। अब उसके बाद में इस लेआउट सेक्शन में जा करके आप सारी चीज़ों को, आपको लेफ़्ट करना है, राइट करना है, मिडिल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था स्पेस मैंने 10 पिक्सल दिया हुआ है स्पेसिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसकी पैडिंग को मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ से मैं राइट में इसको को मैं बढ़ा के 10 पिक्सल की पैडिंग कर देता हूँ। तो ये सॉरी हमें लेफ़्ट में करना है, तो लेफ़्ट में मैं 10 पिक्सल की पैडिंग कर देता हूँ, और लेफ्ट में वैसे भी नहीं शो करेगा, चाहे आप 5 कर दीजिए चाहे 10 कर दीजिए। पेजनेशन को हम देखते हैं, पेजनेशन को हम एक काम करते हैं, पेजनेशन के कलर्स को हम ब्लू कर देते हैं जैसा कि हम चाहते हैं यहाँ पे। तो पेजनेशन के कलर को आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाइट हो गया है, तो बट हमें क्या करना है कि इसको समथिंग यहाँ पे, अब ये हमारा पेजनेशन एकदम बिल्कुल परफेक्टली जिस कलर में चाहते थे हमने जीरो कर दिया। इसके बॉक्स साइडों को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिया, डिफॉल्ट रूप से बॉक्स साइडों को हमने रखा। अब इसके इसके जो स्पेस को है, स्पेस को हम थोड़ा सा कर देते हैं, एकदम सटा देते हैं। अब एकदम बिल्कुल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक काम कर लीजिए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में हम क्या करते हैं, ये डुअल फ्लेक्स बॉक्स ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसकी साइज़ को हम 70 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, और इसको हम 30 कर लेंगे यहाँ पे जो है। तो अब ये देखिए, अब इससे क्या होगा कि इधर हम साइड बार बना लेंगे और इधर वो बना लेंगे, तो इससे हमारा बेटर लुक आएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो अब ये हमारा कुछ अच्छा लुक आएगा। आप साइड बार भी कस्टम तरीके से क्रिएट करना हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑलरेडी हमने साइड बार बनाना बताया है। आप सेक्शन पे जाइए, एलिमेंटर पे अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए, शॉर्ट कोड पेस्ट करिए, काम बन गया। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा लुक बेटर दिख रहा होगा। अब चलिए मैं इसको अभी और कस्टमाइज करूँगा, बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आर्काइव का टाइटल डाल देता हूँ। आर्काइव के टाइटल को डालने के लिए आप सिंपल तरीके से यहाँ आर्काइव पर क्लिक करिए। आर्काइव पे क्लिक करने के बाद में बिफोर पे अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये लगाना है या कुछ भी कोई इमेज, तो ये कैसे आया, विंडो प्लस डॉट लगा करके आप कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कलर को वाइट कर देते हैं। इसके बैकग्राउंड कलर को हम क्या करते हैं, वही जो हम करते आए हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। उसके बाद में हमें अच्छा नहीं लगा तो हम इसको चाहे वाइट बीच में कर सकते हैं या आप लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 22 कर देते हैं और इसके हम पिक्सल में 30 कर देते हैं। इसकी पैडिंग को आप 5 पिक्सल कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके का आ गया। यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक करिए, आर्काइव पोस्ट पे इस पर जाइए, एडवांस पे मार्जिन सेक्शन में इसको -20 पिक्सल कर दीजिए और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप फिर से अपने आर्काइव को कोई भी कैटेगरी रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। बट अगर आप अभी चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम दिख रही है, ये वाला, तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे पेजनेशन पे जाएंगे,
पेजनेशन पे जो आपने स्पेस बनाया था उस स्पेस को आप सही कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने एक गलती की कि जो यहाँ का जो बॉटम का था, यहाँ पे जो बॉटम का था वो बॉटम को मैंने जीरो कर दिया, तो इसको आपको इंक्रीज करना है सिंपल तरीके से। यहाँ पे हमने 20 कर दिए, तो अब ये हमारा सही हो गया। तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर्काइव आपको ये कैटेगरी नहीं दिखानी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आर्काइव टाइटल के अंदर आपको आना है, और उसके बाद में जो ये इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, कंटेक्स्ट दिख रहा है, इसको जिस टेक्स्ट को आपको हाइड करना है, आप हाइड करेंगे, जैसे ये कैटेगरी का नाम हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ये आपका सेव हो जाएगा। और फिर से आप ये क्यों पूरा हाइड हो गया, फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, और ये हमें दिखना चाहिए पूरा। ये बिल्कुल देखिए एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है। अगर आप मिडिल में करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मिडिल में कर सकते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे ये आपका मिडिल में दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो सिंपल तरीके से अपडेट होने का इंतज़ार करिए, और एक बार कैसिंग प्लगइन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। ये हो गया। बट मैं चाह रहा हूँ, एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ, आप उसको देखिएगा ध्यान से। मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे एक बॉर्डर बने। तो बॉर्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल तरीके से पहले इसको हम नीचे आते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखिए एक आता है, आपको क्लास मिल जाता है। इस क्लास क्लास के नीचे अगर हम एक पैडिंग भी दे दें, और पैडिंग के साथ साथ एक बॉर्डर बना दें, तो हमारा काम बन सकता है। तो चलिए इसी पे काम कर लेते हैं सिंपल तरीके से। हमें क्या करना है, आपको मैं एक CSS दे दूंगा उसी पे, तो वो क्लास कुछ नहीं है, यही क्लास है, एलिमेंटर क्लास टाइटल है, तो इसी पे आपको काम करना है। तो इसको हम इस क्लास को आपको कॉपी करना है, चाहे यहाँ से कॉपी कर लो चाहे यहाँ से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको अंदर में ही रहना है, मतलब यहाँ पे आर्काइव पोस्ट के अंदर ही रहना है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने सेलेक्टर एलिमेंटर के लिए उपयोग किया जाता है, और उसके बाद में हमने एक डॉट के साथ, और ये हमने काम कर दिया। तो ये हमारा क्लास हो गया। क्लास के बाद हमने क्या किया कि अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपने बॉर्डर को लिखना है। तो बॉर्डर हम सॉलिड ले लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर कलर मैंने मैच कर दिया है 26.5 FF जो है, ये हमारे ब्लू के साथ मैच होता है जो हमारा बॉर्डर है। तो ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसकी पैडिंग को सुधारते हैं, तो यहाँ पे पैडिंग पे अगर हम जाएं, तो यहाँ पे लेफ्ट में अगर हम पैडिंग दे दें लेफ्ट में, तो यहाँ पे देखिए पैडिंग जितनी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ये बॉर्डर भी छोड़ रहा है। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि बॉर्डर टच रहे और हमारा टेक्स्ट ही केवल आगे जाए। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको जीरो ही रहने देना है। आप देख लीजिए टॉप और बॉटम में 5 रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी पैडिंग को, मार्जिन को नहीं, पैडिंग को हम क्या करते हैं, लेफ्ट की पैडिंग को, केवल लेफ्ट को 10px कर देते हैं। और 10px के बाद हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो ये देखिए कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आगे चला गया, यानी जो हमारा टाइटल है उसकी पैडिंग इंक्रीज हुई है लेफ्ट साइड की। तो अब हम अगर हम इसको यहाँ से करते हैं, अपडेट कर देते हैं, और फिर से हम इसको काट देते हैं, और फिर से हम इस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे फिर से हम इसको पर्च कर देते हैं। यहाँ पे कैश क्लियर होने के बाद आप देखोगे तो एक हमारा खूबसूरत सा लेआउट तैयार हो गया। अब बात ये आती है कि ये तो हमने कर लिया, बट हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। गलत का मतलब यह है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको साइड बार भी क्रिएट करना है, तो साइड बार भी आप क्रिएट कर सकते हो। साइड बार कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, मान लेते हैं हम जल्दी जल्दी करने के लिए आपको साइड बार बनाना ही बता देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड बार क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे चलो सेक्शन में, सेक्शन पे आपको एक साइड बार पे करना है,
तो हमने आपको क्या करना बताया था कि जब हम होम पे डिजाइन कर रहे थे तो हमने पूरी चीजें आपको बताई थी। तो सिंपल तरीके से हमने क्या करेंगे, इसी लेआउट को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसकी डिजाइन को देखना है तो आप पीछे वाली वीडियो को जा करके देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे कि ये हमारा साइड बार ओपन हो गया, होम पेज पे हम चलते हैं। अब इसी को हमें करना है, यहाँ पे चलना है और इसको इसको हमें हाइड करना रहता है, बट साइड बार है तो हमें उससे मतलब है नहीं। और तो हम सिंपल तरीके से अपने होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे हम देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को मतलब इस कंटेनर्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे, तो ये कम्प्लीटली पेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो ये 50 है इसको 100 रखना है, पेजनेशन को ऑफ करना है। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि क्वेरी में क्वेरी को कुछ भी नहीं करना, ताकि हमारी लेटेस्ट पोस्ट आए तो ये ऑल में अब चला जाएगा, जो भी आप पोस्ट करोगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको रीसेंट पोस्ट लिख सकते हो, इतना सिंपल होता है रीसेंट पोस्ट। और इसकी अलाइनमेंट को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है। तो और आप इसको आप चाहो तो आप 10 कर सकते हो या और भी ज़्यादा कम कर सकते हो। अब इसको आपको पब्लिश करना रहेगा, और जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे इसको एग्जिट करने का। एग्जिट कर दीजिए, ये आप बाद में डिसाइड करिएगा। आप जैसे ही चलेंगे तो आपका जो यहाँ पे सेव्ड टेम्पलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास एक साइड बार का आएगा, यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिलेगा, इसको शॉर्ट कोड को आप पेस्ट करिए। क्यों, क्योंकि साइड बार को मैं चाहता हूँ कि आप साइड बार को ग्लोबली मैनेज करें, वहीं पे साइड बार चेंज करेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट कोड चुनेंगे, शॉर्ट कोड सर्च करेंगे आ जाएगा, यहाँ पे उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करेंगे, वो आपका बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा लुक आपके पास बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका काम बन गया। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। आप इसकी स्टाइल को और भी अच्छा करना है खराब करना है वो आपके पे डिसाइड करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब आप जो भी चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट आपके साइड बार में दिखेगा, क्योंकि ये आप जो है कॉल कर रहे हैं शॉर्टकट के माध्यम से। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें चाहें, जैसे शेयर बटन वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको साइड बार में अगर आपको कुछ और चीज़ें इंसर्ट करनी है तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोशल लिंक आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो सोशल लिंक आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सोशल लिंक पसंद हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। अब कोई भी पिंटरेस्ट अगर लेना चाहे तो पिंटरेस्ट ले सकते हो। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह, उसके बाद में ऑटो कर सकते हो। यहाँ पे आप इसके साइज को, पैडिंग को, बॉर्डर रेडियस को, जो भी आपको मैनेज करना है कर सकते हो। जीरो में कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, अगर मैं 50% कर देता हूँ तो एकदम सर्कल में बन के आएगा। तो आप साइज को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो घटा बढ़ा सकते हैं, और टाइटल को अगर आपको लिखना है तो आप इसके ऊपर टाइटल भी लगा सकते हो। पेस्ट कर दीजिए, ये आपके पास टाइटल भी आ गया। तो यहाँ पे तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब अगर आप देखोगे रिफ्रेश करके तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपनी सारी चीज़ों को। तो अब ये बात की बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, तो इन सब के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि कैसे क्या किया जाता है। आपको जाना है यहाँ पे, इसको जीरो कर देना है। अब आपका काम बन गया। अब फिर से आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपका सब कुछ ये तैयार हो जाएगा। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब इसके नीचे स्पेस देना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे आइए,
हाँ यहाँ पे अगर आपको 20 पिक्सल का स्पेस देना है इन दोनों के बीच में, ये 20 पिक्सल का स्पेस बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने साइड बार को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस बना नहीं, इसका मतलब सेव हुआ नहीं है। अब ये आपका स्पेस बन गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने साइड बार को भी मैनेज कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बताने वाले हैं कि लास्ट डेट वगैरह कैसे अपडेट करते हैं। उसमें मैं एलिमेंटर का प्रयोग करूंगा, बट यहाँ पे मैं पोस्ट का, पोस्ट जो लेआउट मैं यहाँ पे पोस्ट इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे एडिट पोस्ट का, उस एडिट पोस्ट को ना करके जो मैं शॉर्ट कोड प्रयोग करता था उसी को प्रयोग करूँगा, क्योंकि शॉर्ट कोड आज भी काफ़ी अच्छा है। उस तरीके से यहाँ पर आप अपना डेट वगैरह आप मैनेज कर सकते हो, वो ओल्ड की तरह नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम इसी एडवांस कस्टम फील्ड का उपयोग करेंगे और उसको हम कॉल करेंगे उसके माध्यम से, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किया जाएगा। ऑलरेडी इस पे हमने इसीलिए यहाँ पे चर्चा की है। तो इन सारी चीज़ों को चर्चा करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को, एडवांस कस्टम फील्ड को, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।